ये वनडे का व्लॉग दो पार्ट में है, तो अभी आप फर्स्ट पार्ट देख रहे हो और सेकंड पार्ट जल्दी नेक्स्ट डे मैं अपलोड कर दूंगा, तो अभी आप फर्स्ट पार्ट को देखो और एंजॉय करो। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द प्री डेटर के व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग हो चुकी है भाई, इतनी तेज नींद आ रही है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत तेज नींद आ रही है। मैं सुबह से 3 बार उठ के फिर से सो चुका हूँ, 3 बार। पहले 6 बजे उठा, फिर 7:30 बजे उठा जब व्लॉग देखा, और अभी फिर से उठ रहा हूँ, 3री बार उठ रहा हूँ, पता नहीं फिर से नींद आ रही है। और ये रही हमारी मॉर्निंग वाली ट्री, और हनी दादा भी सो रहे हैं। उठ गया, उठ रहा है भाई, तैयार भी होना चल। एंड एज ऑलवेज द चाय इज ऑसम। दिल्ली में सावधान कर्फ्यू खत्म, रोज खुलेंगी दुकानें, स्कूल रहेंगे बंद, क्योंकि 2020 में पता है स्कूल में ज्यादा कोरोना फैला था, बाहर दुकान पब्लिक प्लेसेस पे थोड़ी ना फैला था, वहीं हॉस्पिटल में फैला था, स्कूल में फैला था। एक ही दिन में 3.5% बड़ा संक्रमण, नहीं थम रही मौत। मैं बार बार रिपीट करता हूँ भाई, बाहर जाओ तो मास्क पहनो, ढीले मत दो, ये वायरस बहुत स्ट्रांग है और अभी हम लोग वीक है। या तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो तो आप इसको झेल सकते हो, नहीं तो भाई कोई बचने के चांसेस नहीं है। बहुत लोगों का तो मतलब कि डबल डोजेस हो रखे हैं, लेकिन स्टिल उनको अभी भी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। एग्जाम पेपर में पॉजिटिव रिजल्ट आए तो अच्छी बात है, लेकिन बीमारियों में पॉजिटिव रिजल्ट आए तो वो बहुत ही, समझ रहे हो ना, बहुत ही बेकार है। सो जस्ट वियर योर मास्क व्हेनेवर यू गो आउटसाइड एनीवेयर विद एनीवन। ये मौसम तो बड़ा ही ऑसम है, ये लीजिए पिताश्री। हाँ, इट्स फ्राइडे। यस, इट्स फ्राइडे, और आज हम लोग बाहर कहीं जा रहे हैं, हम बताएंगे नहीं है क्योंकि फिर सरप्राइज या फिर जो भी है वो रिवील हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा। तो ब्रो जल्दी रेडी हो जा, और तू जैसी रेडी हो जाएगा मैं भी रेडी हो जाऊंगा, फिर चलते हैं, ठीक है? जल्दी जल्दी समेटा कर भाई, भाई जल्दी कर, जल्दी निकलना, ऑलरेडी लेट है। ओ ये जेबी और आज मौसम यहाँ का ऐसा है कि हमें अंदर ठंड लग रही है और बाहर एकदम गर्मी गर्मी हो रही है, क्योंकि धूप बहुत सुंदर निकली है। हाँ, आज धूप बहुत सुंदर निकली है, तो मेरे साथ बोलो ये मौसम है बड़ा औसम। तो हम ऑलरेडी लेट है, तो जल्दी तैयार होते हैं, तो मैं तैयार होता हूँ, फिर मिलता हूँ। हनी ऑलमोस्ट तैयार है, नहीं हनी तैयार नहीं है, अभी तैयार होगा, मैं जा रहा हूँ तैयार होने के लिए। हालांकि कैसे तैयार तैयार कर रहे हैं। सो आई एम रेडी एंड वी आर रेडी टू गो आउटसाइड, इट्स गोना बी सो फन, यू नो, सो लेट्स गो। मैं आ गया और हनी दादा भी, हाई कर दे, हाई कर, हाई कर दे, हाई कर दे लालो। एंड वी आर रेडी। तो अभी मैं बताने नहीं चाहूंगा कि हम जा कहाँ रहे हैं एक्चुअल में, क्योंकि हमें अभी रिवील ही नहीं करना है। एंड एज आई एम ड्राइविंग, तो मैं अभी कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, अब जब जहाँ पे डेस्टिनेशन है वहां पहुंच के मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? मैं हमेशा सीट बेल्ट लगाना भूल जाता हूँ, एंड थैंक्स टू कार दिस बीप सिस्टम, ये हमें रिमाइंड कर देती है कि सीट बेल्ट इज नॉट ऑन ब्रो। देखो मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन हनी को ड्राइविंग करने का मन है, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये रोड जो है बिल्कुल खाली है, ये पूरा रोड है जितना, ये सब पूरा का पूरा खाली है, तो यहाँ से हनी दादा चलाएंगे। सो टग, तो अब हम लोग अपनी ये वाली सीट जहां पे मेरा ड्रीम रहता है कि मैं यहाँ पे बैठ के आराम से ड्राइविंग के मजे लूं, और यहाँ पे मैंने खोल लिया ये, और अब ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके बैठ के हवा के वो लेते हुए ओम फो। सो यहाँ पे हनी की ड्राइविंग स्किल्स चेक करी जाएंगी, और हनी की ड्राइविंग स्किल्स का टेस्ट है, देखते हैं कैसी ड्राइव करता है। हालांकि जस्ट एक दो कारें निकल के जा रही है, जैसे ये है, पर स्टिल देख रहे हैं। ड्राइवर नाइस। बहुत ही गलत डायरेक्शन थी, मैं एकदम परफेक्ट चलाता हूँ।
हम लोग आए और हमें जगह की नहीं पता, हमें जाना कहाँ था। एक्चुअली बहुत सारी बिल्डिंग्स है, हमें समझ नहीं आ रहा कौन सी बिल्डिंग है। तो थैंक गॉड कि यहाँ पे प्रथम आ गया। एंड हियर इज द गाय ब्रो। सो पहले यहाँ पे एंट्री होगी। नाइस, ओके, लेट्स गो। यहाँ तेरी हाइट कितनी छोटी है। फोटोज में इसकी हाइट कितनी बड़ी लगती है ना। स्ट्रेट और चल ठीक है, यहीं पे रहते हैं। तेरी पार्किंग बहुत खराब है क्या? देखो टायर भी सीधे नहीं किए। आइए सर, सर सर बाहर निकलिए सर, आ जाइए सर। सर 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 वेरी गुड सर, थैंक यू सर। और कुछ सर? नाइस ब्रो। एंड दीज बिल्डिंग्स आर रियली टॉल। जस्ट वेट, नॉक नॉक, बंद हो जा। सिम भाई तू इसके सामने, तू टावर लग रही है, थोड़ा नॉर्मल आई पी टावर लग रहा है। ये कौन सी क्लास में? 11th में। ये 12th में भाई साहब, 12th में आ गया है। नहीं उसे छोड़ो, इसको ऐसे लग रहा है सो के उठा है जस्ट। कि मैम ने इनको उठा, बेटा जाओ जल्दी जाओ बाहर, वो आ गए। ये बोला अरे नहीं मम्मा मेरे को नहीं जाना। नाइस। उल्लाला। हेलो मैम। हेलो एंजल को तो ना, एंजल ने मांगा था। वीडियो तो भेजी थी एंजल ने। एंजल आपको चॉकलेट नहीं चाहिए? ओ एंजल हैप्पी बर्थडे टू यू, बी लेटेड, आराम से। बहुत क्यूट हो पता है, एंजल लव्स चॉकलेट, सो उसके लिए चॉकलेट चॉकलेट। एंजल हमें भी शेयर कर दो प्लीज। आई जस्ट वॉन्ट टू चॉकलेट्स प्लीज। दिस इज द बेस्ट अनबॉक्सिंग ऑफ अ गिफ्ट। एंजल आपने तो गिफ्ट रैपर की। एंजल के लिए सबको चॉकलेट चॉकलेट कर दिया मैंने। एंजल प्लीज मेरे को भी चॉकलेट दे दो।